बैक अगेन माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो का V25 प्रो फोन में वीवो थीम अप्लाई प्रॉब्लम गाइस सॉल्व कैसे करें। गाइस अगर आप भी अपने फोन में वीवो थीम एप्लीकेशन से किसी भी थीम को फ्री में डाउनलोड करके अप्लाई करके अगर थीम को चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग करके बताएंगे अपने फोन में वीवो थीम के जरिए गाइस जो आपको थीम को अगर चेंज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम को गाइस कैसे सॉल्व करके अपने फोन में किसी भी थीम को फ्री में डाउनलोड करके कैसे गाइस अप्लाई करके थीम गाइस कैसे चेंज करेंगे। आपके फोन में चाहे एंड्रॉइड 11 हो या फिर एंड्रॉइड 12 कोई भी वर्जन है तो आपको मैं यहाँ पे बिल्कुल थीम को चेंज करके बिल्कुल दिखाऊंगा और यहाँ पे आप भी अगर अपने फोन में चेंज करना चाहेंगे बिल्कुल चेंज कर सकती हैं गाइस। तो वीडियो को स्किप ना करना, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। तो गाइस हम चलते हैं कंटिन्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए आपको साइड में हमारा फोन मिल जाएगा और आपको देखिए सबसे पहले प्ले स्टोर गाइस अपने फोन में ओपन कर लेना, ठीक है। प्ले स्टोर ओपन करेंगे यहाँ पे Z Phone 3 आपको लेके सर्च कर देना है। यहां पर गाइस आपको Z Phone के पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, हमने इसको ऑलरेडी पहले से डाउनलोड किया है। हम देखिए एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, एग्री पर गाइस क्लिक करना है, गैंड पर गाइस क्लिक करना है, अलाउ कर देना यहाँ पे और अभी यहाँ पे आपको फोन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब तक ऐसा स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तब तक थीम भी बिल्कुल डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो कोई भी फॉन्ट आपको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको जो परमिशन है जो यहाँ पे कोड वोड सब एंटर करना होता है तो कोड वोड हम यहाँ पे एंटर करेंगे तब उसके बाद आप यहाँ पे थीम को चेंज कर पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल भी थीम को चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे फोन में अभी फिलहाल फोन खोल के ओपन हो चुका है। हम देखिए इस पर क्लिक करते हैं, डाउनलोड पर गाइस हमने क्लिक किया और इसको हम देखिए अपने फोन में डाउनलोड कर रहे हैं फोन को। अप्लाई पर गैस क्लिक किया, ग्रेट स्टार्ट है यहाँ पे गैस क्लिक करेंगे, यूज दिस फोल्डर यहाँ पर गैस क्लिक करेंगे, अलाउ करना है और यहाँ पे आपको कैंसिल और ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पर गैस क्लिक करना है। डाउनलोडिंग का ऑप्शन आएगा, आपके फोन में 15.9 MB गैस यहाँ पे डाउनलोड होगा तभी आप अपने फोन में थीम को फ्री में डाउनलोड करके यहाँ पे अप्लाई करके चेंज कर पाएंगे। जो आपको थीम को चेंज करने में प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम भी बिल्कुल नहीं आएगी। अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो प्रॉब्लम भी बिल्कुल नहीं आएगी, अगर आप इसको डाउनलोड नहीं करते हैं तो बिल्कुल भी थीम को चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम देखिए इसको डाउनलोड कर रहे हैं 15.9 MB, जो इसके आगे की सेटिंग है कैसे क्या चीज करना हम यहाँ पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। यहां पर देखिए जब ये डाउनलोड होगा सबसे पहले आपको अपने फोन में वाईफाई कनेक्शन देना होगा, वाईफाई कनेक्शन देंगे तभी गाइस यहाँ पे थीम को चेंज कर पाएंगे। हमने ऑलरेडी यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन अपने फोन में दे दिया है, उसके बाद यहाँ पे ग्रेट स्टार्ट पे गाइस क्लिक करना है, डेवलपर ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर गाइस क्लिक करना है और आपका यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करना आपको और यहाँ आपको मिलेगा USB डोइंग का ऑप्शन है, इसको ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला छोड़ के आपको थर्ड वाला यहाँ पे ऑन करना, ठीक है। इसको जब ऑन कर देंगे और इसी पे जो तीसरा वाला हम यहाँ पे दूसरा वाला ऑन किया यानी कि थर्ड वाला, इसी पे आपको लेफ्ट साइड गाइस क्लिक करना है। इस पे जब लेफ्ट साइड क्लिक करेंगे आपको मिलेगा पेयर डिवाइस विथ QR कोड, उसके नीचे मिलेगा पेयर डिवाइस विथ पेयरिंग कोड, यहाँ गाइस क्लिक करना, आपको यहाँ पे कोड एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे 6 अंक का गाइस आपको कोड मिल जाएगा, इसी कोड को आपको एंटर करना है, ठीक है। 4589002 हम देखिए यहाँ पे एंटर करते हैं 4589002 और यहाँ राइट साइड में आपको एरो का निशान आएगा, इस पर गैस क्लिक कर देना है और आपके पेयरिंग कोड यहाँ पे गैस सक्सेसफुली हो जाएगी। और यहाँ से देखिए हम बैक आएंगे, फिर से बैक आना है और यहाँ पे क्लिक करते हैं हम, यहाँ पे देखिए स्टार्ट पे गैस क्लिक करेंगे और ए फोन आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा और ऑटोमेटिक अभी आपका Z Phone यहाँ पे बैक होगा और ऑटोमेटिक फिर यहाँ पे ओपन भी हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, देखिए ऑल बैक आएंगे, आपको मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। हम देखिए पहले अपने फोन में व्हाट्सएप को ओपन करते हैं, हमने देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप को ओपन किया, यहाँ पे हम अपना नंबर सिलेक्ट करते हैं 7973, तो ये नंबर हमारा आ चुका है, हम इसका लिंक दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, आपको इसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखिए इसको क्या चीज ओपन करना आपको बताएंगे। यहां पर गाइस जब आपको ये जब लिंक मैं आपको दूंगा आप इसको जब ओपन करेंगे, फाइनली अभी हमारे फोन में रन नहीं कर रहा, हम यहाँ पे इसको ओपन करके दिखाते हैं, ठीक है। ओपन करते हैं यानी कि डाउनलोड करते हैं, तो क्योंकि काफी दिन का हमारे फोन में ये लिंक हो चुका है इसलिए ओपन फिलहाल नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी जब इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आएगा, बट यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है। तो हम देखिए इसको दोबारा से डाउनलोड करते हैं, फिलहाल डाउनलोड फाइल हो चुका है। तो ये गाइस जो मैं आपको लिंक दूंगा, लिंक गाइस आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको अपडेट का और अपडेट का ऑप्शन आएगा, अपडेट पे गाइस क्लिक कर देना है। अपडेट पर जब गाइस फाइनली आप क्लिक कर देंगे तो अपडेट जब वहां पे हो जाएगा, ठीक है, वहां पे अपडेट होने के बाद आपको डन का ऑप्शन आएगा, डन पर गाइस क्लिक करके आप उसके बाद यहाँ पे जो आपके फोन में वीवो थीम एप्लीकेशन है यानी कि गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन को, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन है आप इस एप्लीकेशन को जब गाइस ओपन करेंगे आपको गाइस जो भी थीम यहाँ पे आपको मिलेगा फाइनली आप किसी भी थीम को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में,
ठीक है। हम देखिए इसको डाउनलोडिंग पे लगा देंगे, बट हमारे फोन में गैस यहाँ पे डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि गैस जो मैं आपको लिंक वहां पे दूंगा, वहां पे लिंक हमारे पास काफी दिन का हो गया, मैं आपको जो दूंगा वहां पे गैस तत्काल मैं उसको दोबारा से डाउनलोड करके फिर आपको मैं वहां लिंक दूंगा। तो जब मैं आपको वहां पर लिंक दे दूंगा तो आप उस लिंक को वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम ट्राई करते हैं, देखते हैं, हो सके फोन यहाँ पे थीम हमारे फोन में चेंज भी हो सकती है। अगर नहीं होगी तो मैं जो आपको स्टेप बता दिया स्टेप गाइस कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे थीम हमारे फोन में चेंज हो गया तो स्टेप तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ही दिख जाएगा। तो हम देखिए इसको डाउनलोड कर लिया, यहाँ पे ऐड को स्किप करते हैं, आपको मिलेगा चेंज थीम का ऑप्शन, यहाँ गाइस क्लिक करना है। यहाँ पर जब फाइनली क्लिक करेंगे बट यहाँ पे थीम बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि गाइस हम जब वहां पे आपको लिंक दिए थे, लिंक देंगे उसी लिंक को गाइस आपको क्लिक करके अपडेट पर गाइस क्लिक कर देना है। अपडेट पर गाइस क्लिक करके आपको डन पे जब गाइस क्लिक करेंगे तो वहां पे बिल्कुल थीम आप यहां पे जब डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप नहीं भी कर पाएंगे तो बहुत सी वीडियो हमारे इस चैनल पे पड़ी हुई है, तो आप और कोई वीडियो जाके वहां पे देख सकते हैं। तो आप ऐसे बिल्कुल सेटिंग करके अपने वीवो का V25 प्रो फोन में जो कि वीवो थीम अप्लाई प्रॉब्लम गाइस यहाँ पे सोल्व करके गाइस बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आई होप तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।